खंडहर में चलता है यहाँ पर, इस तरीके का बना हुआ है, देख रहे हो आप, ये कांच तोड़ा हुआ है, यहाँ से वो घुसा अंदर, यहाँ पर नशेड़ी आएंगे पूरा, यहाँ बीड़ी गुटखा, ये देखो पेपर, यहाँ पर कोई सोता भी है, ये देख रहे हो आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो होने वाली है ना, जो यहाँ पर दुकान तोड़ी गई है, हल्द्वानी से होने वाली है, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से होने वाली, हल्द्वानी शहर के जगदम्बा नगर से होने वाली। यहाँ पर दो दिन पहले, यहाँ पर बीती रात चोरी हो गई, दुकान के शीशे तोड़े गए और दुकान से लैपटॉप वगैरह कीमती सामान यहाँ से चोर उड़ा के लेके गया, और लगभग चार पांच दुकानें ऐसी हैं उनके ताला तोड़ने की कोशिश की गई। तो वही दुकान आज मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। आए दिन यहाँ पर हल्द्वानी में काफ़ी चोरी और चैन स्नैचिंग का मामला यहाँ पर आ रहा है, तो उसी तरह का मामला यहाँ पर जगदम्बा नगर से आया है दो दिन पहले, तो वही मैं आज दिखाऊंगा कि वो कौन सी दुकानें थी और कहाँ पर चोरी हुई। लोकेशन जरा मैं दिखा देता हूँ, आप ये देख रहे होंगे जो नुमाइज ग्राउंड है उसके पीछे जो टंकी है पानी की, इसके पीछे जो टंकी के पीछे है ना नुमाइज ग्राउंड है, तो उसके सामने जो ये आपको ये गली दिख रही है, यहाँ पर एक पार्क है, यहीं पर की वो घटना है, जगदम्बा नगर इसको बोलते हैं। यहाँ को आप जाएंगे तो दुर्गा सिटी सेंटर को रास्ता चला जाता है, और इधर को आप अगर जाएंगे तो यहाँ दो नहरिया की तरफ यहाँ पर रास्ता चला जाता है, यहीं से मुखाने को आप जाएंगे। तो यहीं पर जो ये गलियों में जो कुछ दुकानें हैं, जो सी गजक भंडार है, यहीं से जो अंदर की जो दुकानें हैं वहाँ पर चोरी हुई थी, लैपटॉप चुरा लिए गए, कीमती सामान कैश वगैरह यहाँ पर लेके गए चोर। तो किस तरीके का हुआ सारा कुछ आपको मैं यहाँ पर चल के दिखाता हूँ। आए दिन यहाँ पर हल्द्वानी में काफ़ी चोरी हो रही है, कभी दुकानों में, कभी ज्वेलर शॉप में, और कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर ये गजक वाली है पहली दुकान, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी दुकान है, ये दो दुकानें छोड़ के यहाँ पर एक तीसरी जो दुकान है, ये इंश्योरेंस होता है यहाँ पर, उस चीज की यहाँ पर ये दुकान है। तो इस दुकान का जो शटल था उसमें ताला तोड़ा गया, और इसमें इस दुकान में लुटेरा घुसा, काफी सीसीटीवी फुटेज भी उसमें आया हुआ है, तो उसने यहाँ से चोरी करी। ये देखिए शटल पूरा तोड़ गया, अभी तो इन्होंने नया बना दिया है। उसके बाद अभी मैं अंदर चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो ये कांच है, जैसे कांच तो लगा हुआ था ना रात को, ये कांच ऐसे मूव हो जाता है, इसको इस तरीके से ये लोगों ने लगाया था, तो ऐसा बंद किया था, तो उसने कांच तोड़ा है। ये देखिए आप, अभी भी इन्होंने ये कांच बनाया नहीं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीके से ये कांच तोड़ा हुआ है, यहाँ से वो घुसा अंदर, इतनी से एरिया में अंदर घुसा है वो चोर, पतला ही था, ज़्यादा नहीं था, तो ऐसा उसने अंजाम दिया है चोर ने। और यहाँ से क्या क्या चुराया है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो अंदर कैमरा था नहीं, था इसके अंदर नहीं था ना, तो अंदर सीसीटीवी भी नहीं था, तो उसने लाइटें आइटें जलाई यहाँ अंदर आके, उसके बाद शटल गिराया, उसके बाद चोरी करी। मैम से जानते हैं यहाँ पर इनका क्या क्या चोरी करा और कब की वो घटना है। क्या नाम है आपका? तो ये कब की घटना है? सर ये फ्राइडे की है, जब बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो सुबह मैं लेट आई, 11:15 बजे तक आई, तो देखा बाहर ईंट पड़ी हुई थी, इस साइड वाला, इधर वाला तो मैंने लाइट वाला लॉक खो दिया था, लेफ्ट वाला खुला ही हुआ था वो, और शटर भी थोड़ा ओपन था, और यहाँ पे ईंट लगी हुई थी, बहुत कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था यहाँ पे। मैंने नॉर्मल जैसे आती हूँ, मैं आके सबसे पहले मैं ही ताला खोलती हूँ, मैंने शटर थोड़ा सा ही खोला, पूरा भी नहीं खोला था, वो ईंट से और ये पूरा बैनर, यहाँ पूरा सब ये सामान सब कुछ ऐसे बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, तहस नहस था पूरा, पूरा फेंका हुआ, हुआ था ये सब, जितना भी ये जो यहाँ पर जो मूर्ति है ये सब तिधर बिधर करा था। हाँ। चोरी हुआ इस दुकान से? सर, कितना लैपटॉप था? एक एक लैपटॉप था, उसके साथ जो डाटा वगैरह सब ले गया होगा वो, और क्या चोरी हुआ यहाँ से? अच्छा सिर्फ लैपटॉप चोरी है, कैश वगैरह रखा नहीं था? अच्छा जरा मोबाइल में दिखाएंगे किस तरीके का था। तो अभी मैम बता रही हैं हमको, इस दुकान से ज़्यादा सामान था नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का यहाँ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करते थे, तो ये खुला हुआ था। कितने पुरानी है दुकान? सर इसको एक डेढ़ साल हो गया, एक डेढ़ साल हो रहा है, अभी नया नया दुकान खोला था यहाँ पर, रेंट पे ये दुकान थी। तो यहाँ पर चोर ने इस तरीके से अंजाम दिया है, आप भी देख सकते हैं, कैमरा यहाँ पर था नहीं क्योंकि नया नया था, ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर चोरी करने लायक, लैपटॉप इन्होंने घर नहीं लेके गए थे, यहीं पर रखा हुआ था, छोटा सा ऑफिस था यहाँ पर, तो काफ़ी सामान तितर बितर एकदम पड़ा हुआ था, लैपटॉप लेके गया चोर, अभी तक कार्रवाई कर रखी है इन्होंने। और आज कोतवाली में भी गए थे, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए कि अगर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार नहीं किया, ऐसे रोक ना लगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा यहाँ पर व्यापारियों ने कहा। अब ये दिखा रहे हैं इस तरीके से था, देखिए ये मोबाइल में दिखा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा, देखो इस तरीके से पूरा ये ऐसा तितर बितर एकदम पड़ा हुआ था सामान, थोड़ा आगे, अच्छा कहीं भेजी तो नहीं है वीडियो आप ही के पास? सिर्फ मेरे पास है, और सर को भेजी, क्योंकि आके मैंने सर को कॉल करा, मैंने पूरा शटर नहीं खोला, मैंने बगल वाले अंकल जी को बताया था। अच्छा
हाँ ये देखिए मैम दिखा रहे हैं, इस तरीके से पूरा पड़ा हुआ था। तो और कितने दुकानें यहाँ तोड़ी हुई थी उस दिन? बगल वाली जो दुकानें ना उनके भी साइड लॉक तोड़े हुए हैं। अच्छा अंदर चोरी नहीं हुई उसकी? नहीं हुई है, लेकिन लॉक तोड़े हुए। लॉक बराबर टूटा नहीं होगा? लॉक तोड़े हुए हैं बस, हो गया। और तीन चार जो बगल में दुकानें हैं उनकी वजह से उनका करा था, और कहीं कुछ नहीं करा, खाली लॉक तोड़ा था। चोरी खाली आपके वहाँ? चोरी सिर्फ हमारे यहाँ हुई है। अच्छा चलो ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर मैंने मैम से बातें करी, मैम ने यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया। यहाँ पर बहुत से दुकानें, 5-6 दुकानें थी, एक दुकान और है यहाँ पर, और यहाँ पर भी शटल तोड़ा हुआ था। और भी आगे यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कम से कम 10-11 दुकानें यहाँ पर हैं। तो शुरुआत की दुकान में उसने लैपटॉप चुराया, उसके बाद ताला तोड़ने की कोशिश करी, ताला हल्का फुल्का टूटा मगर टूट नहीं पाया और वो चोरी कर नहीं पाया। तो अभी अंदर अंकल से बात करते हैं इनका क्या क्या नुकसान हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का दुकान है। तो क्या हुआ उस दिन, कितना क्या ताला तोड़ा था, कैसा नुकसान था आपका? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली ताला तोड़ा था ना। ताला भी नहीं तोड़ा था, खाली मेरी दुकान में तो कुछ भी नहीं हुआ था, बगल वाली दुकान में। और उसके बाद 2-3 आगे, 1, 2, 3, 4 दुकान आगे, फिर खाली ताला तोड़ा हो गया, अंदर कुछ सामान मिला नहीं। अच्छा अंदर घुसे वो? अब क्या पता, अब हम थोड़ा थे वहाँ पे। अच्छा किस चीज की दुकान है आगे? खाली थी वो दुकान, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली पड़ी, मतलब खाली पड़ी। जी जी जी, ये नगर निगम की दुकान है? नगर निगम की दुकान। अच्छा क्या कहेंगे इस तरह से जो ये घटना कर रहे हैं यहाँ पर? हम तो 18 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब पहला चांस है, अब दिन में भी ताला लगा के जाना पड़ रहा है, नहीं तो वैसे ही बंद करके, खाली ऐसे लॉक करके चले जाते। अच्छा आज आप गए थे वहाँ कोतवाली? मैं परसों गया था, आज नहीं गया। अच्छा तो क्या क्या कह रहे हैं वो? पहले कोशिश, वो असली में नशेड़ी टाइप का लड़का है बता रहे हैं ना, और वो घर पर आ ही नहीं रहा बता रहे। अब कायदा तो ये था कि भाई घर पे नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, वो तो उसके साथ वालों को पकड़ करके अगर उसका पला जाता अच्छे खासा तो शायद बताते वो भाई यहाँ आया करके। अब तो पुलिस वाले भी नहीं सोचते हैं कि यार ऐसे लोगों को पकड़ा जाता, उनके लिए भी तो हत्या है। तो यहाँ सामान ज़्यादा मत रखना, पैसा ऐसा मत रखना, जितना हो सके घर पर ले जाना। क्यों सर, जो मेन डाटा रहता है, जो सब चीज होता है। कितना चीज ले जाएंगे घर? ना ना मेन चीज, जैसे पैसा मत रखो और कोई कीमती सामान, हीरे हीरे जवरात वगैरह। चलो जी 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 जी, इसको तो घर नहीं ले जा सकते, रोज इंस्टॉल तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो अब मैं थोड़ा आगे को जाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं करा कह रहे हैं उनकी दुकान में, उस दुकान में चोरी हुआ लैपटॉप। इन जो ये दुकानें हैं, इन दुकानें में खाली शटल लगा हुआ है, ये दुकानें पूरे खाली हैं ऐसा बताया है उन्होंने। कुछ भी नहीं था ये दुकानों में, सभी दुकानों के यहाँ पर उसने ताले तोड़े थे। ये देखिए यहाँ तो ये सब निगम की दुकानें हैं, तो ये दुकानें सब खाली थी। तो ताला तोड़ा उसने, मिला कुछ नहीं और चला गया, और जिसमें मिला उसमें हाथ साफ उसने कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखता हूँ मैं, बगल में देखो ये निगम का जो है ऐसी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, वेस्ट है यहाँ पर, टॉयलेट वगैरह गंदगी, ये जगह ही ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर नशेड़ी आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये देखिए मैं अंदर दिखा देता हूँ, ये एरिया ऐसा है, अंदर तक दिखा देता हूँ, कौन देखेगा इसको? ये देखिए पूरा यहाँ बीड़ी गुटखा, ये देखो पेपर, ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से पेपर है पर ये सब सब ये देखिए ये यहाँ पैकिंग करके खाते हैं, और यहाँ पर सब कुछ होता होगा। ये देखो खंडहर टाइप का, ये देखिए ऊपर का एरिया देख रहा हूँ, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। ये पीछे MPPG कॉलेज का ग्राउंड है, और यहाँ ये देखिए कोई नहीं देखेगा, ये खुला आने जाने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर दारू वगैरह भी पीते हैं, ये गिलास दिख रही होंगी आपको, देख रहे हो आप, ऐसा होता है यहाँ बैठे रहते हैं यहाँ पर नशेड़ी। तो उन्होंने चोरी भी करी, आसपास का क्षेत्र रात को यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। एक पार्क है यहाँ पर बच्चों को खेलने का, ऊपर से मैंने दिखा दिया, ये नीचे का एरिया है। तो इस पर लगाम लगनी चाहिए, ये कौन देखेगा? नगर निगम देखेगी ना, नगर निगम की ही जगह है, नगर निगम की जगह ऐसी पड़ी है। DM साहिब ने कहा कि जो भी यहाँ पर खंडहर टाइप के हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनको बंद करा जाए ऐसा, मगर करेगा कौन बंद? कोई बंद नहीं करेगा। ये देख लो, अब मैं यहाँ को दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ पर कोई सोता भी है, ये देख रहे हो आप, ठेला है, ठेले में किसी का गद्दा है, और यहाँ पर सोता भी है, ये देखो
इस तरह का कोना है, पूरा घर जैसा बना रखा है। पता नहीं कौन सोता है क्या सोता है, यहाँ रात को आना बहुत ही रिस्क है, बहुत ये है यहाँ पर। ये देख, तो यहीं पर चोरी हुई थी, आने वाले समय में अभी देखते हैं वो चोर पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता है। धरना प्रदर्शन किया था कोतवाली में जाके, उन्होंने टाइम दिया है कि कुछ दिन का टाइम दो, हम उसको पकड़ेंगे। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पर लैपटॉप चोरी हुआ और सामान तितर बितर करा था, ताले तोड़े थे, आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं चोरी की। चोर बेखौफ होके चल रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे? देखो ऐसा आशियाना जो है नशा करते हैं, यहाँ पर जुआ हुआ सब कुछ ऐसे खंडहर में चलता है, यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, सब नगर निगम का है। सर नगर निगम की नाकामी है ये, हम पुलिस को नहीं कोसेंगे, नगर निगम की नाकामी है। इस तरह से खंडहर को उन्होंने बंद करना चाहिए। यहाँ पर रात के समय में मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके का होता था, पूरा कैसा रहता था, आपने देखा होगा। तो यही वो एरिया है, यहाँ बिल्कुल सेफ जोन नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नगर निगम सिर्फ जहाँ जो लोग गरीब लोग होते हैं वही अतिक्रमण दिखता है, रोड में वही अतिक्रमण दिखता है। जो बगल में इस तरीके के जो ये खंडहर पड़े हुए हैं, वस्ट ज़मीन पड़ी है, इस पर नज़र नहीं जाएगी नगर निगम के, और नहीं यहाँ कोई देखेगा आज तक। अभी मैं वीडियो के माध्यम से, अगर कोई भी अधिकारी नगर निगम का ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो इसको बंद करिए और इसको या तो दुकान बनाइए या तो इसको तोड़िए, यहाँ से लॉक करिए, ताकि यहाँ आने वाले समय में कुछ इस तरह की घटनाएं ना हो। इसी की वजह से यहाँ पर वो लोग जो नशा उगरा करते थे, उनको पैसा नहीं मिला होगा, पैसा नहीं होगा तो सामान चोरी करेंगे, तभी तो दुकानें तोड़ी ना। और बता भी रहे हैं कि कुछ नशेड़ी है, बस यही का अंजाम है। इसी के साथ आपको सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, निगम ने ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान देना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर इस तरह की घटनाएं ना हो। फिर से हाजिर होते हैं आपके एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सचेत रहिए, दुकान में CCTV कैमरा लगाइए, कैमरा में भी आया है, क्या कर सकते हैं, है ना। और सामान जो दुकान में है, पैसा उगरा जो कीमती सामान है, अगर जितना हो सके घर ले जाइए आप, छोटा मोटा सामान रखिए, जो कीमती सामान है, डाटा उगरा जो होता है, फ़ोन उगरा। बाकी नए वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो, वीडियो शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि किसकी नाकामी है ये। तब तक के लिए बाय बाय।